हिल स्टेट में देखिए सामने हम लोग कॉफी हाउस में जा रहे हैं। ऐसा कुछ व्यू आता है ऊपर से। ये टैक्सी कोलकाता का येलो टैक्सी की वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सेकेंड हैंड बुक मार्केट है ये हिल स्टेट। ये कितने टाइप का हाउस होता है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। में अभी टाइम हो रहा है कुछ 2:30 बज रहा है और अभी हम जा रहे हैं हिल स्टेट जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बुक मार्केट होने वाला है एज वेल इन एशिया। पूरे एशिया में सबसे बड़ा बुक मार्केट है। पूरे वर्ल्ड में सेकेंड हैंड बुक मार्केट यही है सबसे बड़ा। तो वहीं हम लोग बुक खरीदने को जा रहे हैं तो आपको दिखाते हैं। अभी फिलहाल हम लोग बस का वेट कर रहे हैं इधर जाएंगे। नीचे उतर चुके हैं। ये हम लोग आमा स्ट्रीट में उतरे हैं। थोड़ा सा पैदल जाना होगा कॉलेज से। तो हम लोग बस से आमा स्ट्रीट में उतरे हैं। आमा स्ट्रीट में उतरने के बाद जैसे ये आमा स्ट्रीट का मोड़ था उधर और इस साइड सीधे स्ट्रेट जाना है कॉलेज स्ट्रीट के लिए। सीधे अगर जाएंगे तो थोड़ा सा 2 मिनट वॉक करना होगा उसके बाद आप पहुँच जाएंगे कॉलेज। इधर देख सकते हैं काफ़ी सारा मेडल वगैरह भी अगर उनको बनवाना हो तो यहाँ से आप बनवा सकते हो। ये देखिए यहाँ पे शादी का कार्ड भी यहाँ पे प्रिंट होता है और भी काफ़ी सारा दुकान है देख सकते हैं इधर। ये सब भी दुकान है। शादी का कार्ड का ये भी दुकान है। इसमें स्पोर्ट्स का भी चीज़ ले सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे कैरम बोर्ड देखिए सारा कितना बड़ा बड़ा कैरम बोर्ड है। छोटा बड़ा सब साइज़ का यहाँ पे कैरम बोर्ड मिल जाएगा आप लोग को। तो यहाँ पे जो भी रहता है काफ़ी कम रेट में मिल जाता है। होलसेल रेट में यहाँ पे मिलता है। देखिए यहाँ पे कॉफ़ी ऐसा मिलता है वेट करके मतलब 1 kg का अलग अलग प्राइस। देखिए बैट वगैरह भी मिल जाता है। स्पोर्ट्स का सारा सामान इस दुकान में मिल जाता है। बाकी सब सिमिलर सा ही दुकान है सारा। स्पोर्ट्स का है कुछ दुकान देख सकते हैं। कितना दिखाएं आपको बहुत सारा दुकान है देख सकते हैं। ये एवरीडे बुक स्टॉल है। ये यहाँ पे भीड़ देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। देखते हैं पता करके बुक यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाकी भीड़ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे क्योंकि अभी सेशन ख़त्म हुआ और सारा न्यू एडमिशन हुआ है अभी तो इसलिए इतना ज़्यादा भीड़ है। वरना ऐसे नॉर्मल डे में अगर आएंगे तो ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है। इस दुकान में काफ़ी देर खड़े रहे बट बाद में पता चला कि UKG का बुक इस दुकान में नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोग रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए ये कॉलेज स्ट्रीट मोड़ है। देख सकते हैं मेन मोड़ है और इस साइड हम लोग अब जा रहे हैं। पहले हम लोग उस साइड से आए अब इधर हम लोग यहाँ पे आके पता करते हैं। बाकी ये सब देख सकते हैं सारा सेकेंड हैंड बुक्स यहाँ पे मिल जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सेकेंड हैंड बुक मार्केट है ये कॉलेज स्ट्रीट। उस दुकान में भी नहीं मिला तो एक और दुकान में आ चुके हैं। भैया UKG का मिलेगा क्या बुक्स। यहाँ भी पोपट हो गया हम लोग का। यहाँ भी नहीं मिला। बहुत ही ढूंढने के बाद एक जगह हम लोग को एक भैया मिले हैं जो देखिए बुक लिस्ट लेके जा रहे हैं। बोले साथ में चलो तो हम लोग उनके साथ ही जा रहे हैं। देख रहे हैं ये मिलता है बुक। ऐसे कॉलेज स्ट्रीट में ना बच्चों का बुक में ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हर दुकान में नहीं मिलेगा बच्चों का। तो ये भैया जी हैं देखिए जा रहे हैं सामने सामने और देखते हैं मिलता है बुक कि नहीं मिलता है। ये स्टॉल है भैया जी का। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा बुक्स है यहाँ पे। और भैया बोल रहे हैं बुक्स तो मिल जाएगा। देखते हैं कितना बुक मिलता है। और कुछ कुछ बुक तो नहीं मिल रहा है तो वो देखेंगे बाद में। भैया जी को बोल रहे हैं डिस्काउंट बढ़िया लगाने के लिए। देखिए कितना डिस्काउंट लगाते हैं। तो अभी हम लोग अभी दुकान में वेट कर रहे हैं भैया जी का। भैया जी गए उधर कहीं और दुकान में देखने के लिए तो बुक्स वगैरह नहीं मिल रहा है। बच्चे लोग को बुक मिलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। पता नहीं क्यों नहीं रखता है ये लोग। देख रहा है बोला कि रुको देखते हैं ट्राई करेंगे हम लोग को बुक्स ढूंढने का। तो यही सब यहाँ पे हो रहा है। बाकी भीड़ तो आप देख ही लिए कितना है कॉलेज स्ट्रीट में। ये कितने टाइप का हाउस होता है देख रहे हैं। अपार्टमेंट हाउस बोट देख रहे हैं इतने टाइप। टेंट होता है बंगलो कैरावेन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देख रहे हैं इतने टाइप का हाउस होता है। किचन के बारे में भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है। देखिए आवर मील क्या क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि बहुत कुछ दिया हुआ है बस आप लोगों को नॉलेज लेना है ठीक है।
हिल स्टेट में देखिए सामने हम लोग कॉफी हाउस में जा रहे हैं, इंडियन कॉफी हाउस। तो ये कुछ है इसका एंट्री, ऐसा है देख सकते हैं। ये कॉफी हाउस काफी ज्यादा पुराना कॉफी हाउस है। तो अभी हम लोग कॉफी हाउस आए थे बट काफी ज्यादा भीड़ होने के कारण टेबल नहीं मिल रहा है खाने को, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। देख सकते हैं भीड़ काफी ज्यादा है इसके अंदर। ये देखिए पूरा टेबल फुल है। ये ऊपर की तरफ है, ऊपर और नीचे भी है, और नीचे भी पूरा फुल ही है देख सकते हैं। ऐसा कुछ व्यू आता है ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ देख सकते हैं ये काउंटर है और यहाँ पे बहुत सारा वाइट कलर का देखे पहना हुआ है। ये सब सर्व करते हैं, आपको टेबल में बैठ जाना है तो ये लोग आके ऑर्डर भी ले लेंगे आपसे, ऑर्डर भी ले लेंगे, उसके बाद आपको ये लोग आके ऑर्डर मतलब ला के दे भी देंगे। देखिए जैसे कि ऑर्डर जा रहा है देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये ऑर्डर जा रहा है लेंगे। टाइमिंग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 12 बजे से 8 बजे तक रात का ये खुला रहता है। तो फाइनली हम लोग का कॉफ़ी पीना भी हुआ नहीं, और उसके बाद से बुक तो हम लोग कुछ बुक मिल गया है, तो भैया के पास आपको दिखाए थे जो, वही भैया हम लोग कुछ बुक ला के दिए और कुछ बुक बोले अभी नहीं अवेलेबल है। हाँ ये दिया टैक्सी कोलकाता का येलो टैक्सी। बाकी इस जगह को कॉलेज स्ट्रीट नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस है, जैसे कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, प्रेसिडेंसी कॉलेज, द संस्कृत कॉलेज, बहुत सारा कॉलेज यहाँ पे, इसलिए इसको कॉलेज स्ट्रीट नाम रखा गया। तो साथ ही साथ इसको बोई पाड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि बंगाली में बोई बुक को कहा जाता है, ये बुक का ही पूरा जगह है, इसलिए इसको बोई पाड़ा भी बोला जाता है बंगाली में। तो बस भी हम लोग को मिल गया, तो हम लोग मिल चुका है और अभी हम लोग आती वापस जा रहे हैं हम लोग। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही था, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा।